हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा बेस। पिज्जा बेस हम घर पे भी बड़े आसान से बना सकते हैं। पिज्जा बेस बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पिज्जा बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम मैदा लिया है, और ये मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे शक्कर ली है, और ये 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है, और ये 2 टीस्पून मैंने ड्राई ईस्ट लिया है। आप देख सकते हैं, ये आपको कोई भी जनरल स्टोर में मिल सकता है। ये ड्राई ईस्ट है, इसे मैंने 2 टीस्पून लिया है। स्पून का मेजरमेंट ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस स्पून से मैंने लिया है। और ऑलिव ऑयल हम लेंगे 4 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल फ्रेंड्स ऑप्शनल है, जैसे कि अगर आपको आप सादा तेल यूज़ करते हैं घर में वेजिटेबल वाला, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। और थोड़ा सा हम लेंगे गर्म पानी आटा हमारा गूंदने के लिए। आटा, ये डो बनाने के लिए हम आटा जिसे गूंदेंगे वो थोड़ा पानी हमें गुनगुना ही चाहिए। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये नमक है जो हमने लिया है, नमक, और ये हमारा ड्राई ईस्ट, और ये शक्कर, इसको हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या है, ये मैदे में हमारा अच्छे से फैल जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें ऐसे मिक्स कर दिया है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि मैदे में ये आसान से मिक्स हो जाए। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको ये हमारे मैदे में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे हम अच्छे से गूंद के हमारा डो तैयार करेंगे। गर्म पानी से हमें डो तैयार करना है। जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंद के तैयार करते हैं, उसी टाइप में आटा गूंदना है हमें। ये फ्रेंड्स हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इसमें डाल देंगे, एक हम डो गूंदने के बाद में डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला आप सब्जी में जो यूज़ करते हैं वो ऑयल भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको कोई डाउट रहे तो मैं इंग्रेडिएंट्स पूरे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब हम ये गुनगुने पानी से हम हमारा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने हमारा आटा मैंने गूंद के तैयार कर दिया है। ये मैंने 2 कप फ्रेंड्स पानी लिया था, उसमें इतना पानी बच गया आप देख सकते हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए कि हम ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए। जैसे हम रोटी का आटा रखते हैं उस हिसाब से चाहिए, आप देख सकते हैं। और इसे हम अच्छे से 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक हम इसे अच्छे से ऐसे मसाज करेंगे। 1-2 टेबलस्पून ही इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है मैंने। एक मैंने पहले डाला था, एक मैं अभी डाल रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून अभी हम इसमें ऑयल यूज़ कर देंगे, और इसे अच्छे से चिकना होने तक हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए डो तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक गूंदा है, आप देख सकते हैं जैसे हम आटा दबा रहे हैं उठ के ऊपर भी आ रहा है। इसे हम अभी इस आटे को हम कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। इसे हम अच्छे कपड़े से, मलमल के कपड़े से हम इसे ढक देंगे, और ढक के इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारा आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे हटाएंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा फूल के दुगना हो गया है, जैसे हम दबा रहे हैं उठ के अपने आप से ऊपर आ रहा है। अब हम हमारे हिसाब से लोइयां तोड़ देंगे, और हमें कितना बड़ा पिज्जा बेस चाहिए उस हिसाब से हम पिज्जा बनाएंगे। एक बार इसे अच्छे से मैश कर देंगे मसलते हुए। फिर हम, ये देखिए मैंने ये साइज़ की लोई ली है 400 ग्राम मैदे से। फ्रेंड्स अगर आप लार्ज पिज्जा बनाएंगे तो सिर्फ 2 ही पिज्जा बनेंगे, और मैं यहाँ पे छोटे छोटे पिज्जा बना रही हूँ। मेरे पास माइक्रोवेव मैं नहीं बना रही हूँ, मैं तवे में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं तवे के हिसाब से बनाऊँगी। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे तो बड़े 2 लार्ज पिज्जा बना सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। ये हमने तवा लिया है, इसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये हमने, आप देख सकते हैं ये मैंने पिज्ज़ा बेल दिया है। ये मैंने करीब देख सकते हैं आप 1/2 इंच की मोटाई मैंने रखी है, ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं करना है। अब हम इसमें फोक की सहायता से, ये हम फोक की सहायता से ऐसे निशान कर देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा पिज्ज़ा जो है फूलेगा भी नहीं और अच्छे से बेक भी हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे फोक की सहायता से निशान कर देने हैं, और तवा हमने थोड़ा सा गर्म करना है। ये देखिए,
तवा हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब हम रोटी को तवे पे डाल दें। ये हमने पिज्जा तवे पे डाल दिया है, इसे हम गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई ढक्कन इसके साइज का है तो आप ढक्कन भी लगा के पका सकते हैं, उससे क्या हमारा पिज्जा और अच्छा पकेगा। ये हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसके ऊपर प्लेट रखी थी तो अब हम इस प्लेट को हटाएंगे और हमारा पिज्जा चेक करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं पिज्जा हमारा फूल गया है थोड़ा सा, तो अब हम इसे जो है पलट देंगे। हमें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। दूसरी तरफ भी हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, इसे हम वापस ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये पिज्ज़ा बेस की रेसिपी जो है मेरी फ्रेंड्स की फरमाइश थी, तो आप देखिए फ्रेंड्स ये आप अपना पिज्ज़ा बेस हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये फैलता जाएगा। मेरे एक हाथ में कैमरा है करके मैं आपको एक हाथ से बता रही हूँ, आप चाहे तो दोनों हाथों से बना बेल सकते हैं, इसे प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए आप बढ़ रही है रोटी, इस हिसाब से आप बेल सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, अब हम इसे प्लेट को पका देंगे सावधानी से, प्लेट गर्म थी तो एक प्लेट से आप देख सकते हैं। ये देखिए आप चाहे तो लो फ्लेम पे भी 3 से 4 मिनट तक पका सकते हैं। ये देखिए हमारा ये पिज्जा बेस बन के तैयार है, तो अब हम इसको तवे से निकाल देंगे। इसी तरह हम हमारा दूसरा पिज्जा बेस इस पे डाल, ये हमारा पिज्जा बेस बन के तैयार है। मैंने 400 ग्राम मैदा लिया था उससे मैंने 3 पिज्जा बेस बनाए, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं, अगर लार्ज बनाएंगे तो आप सिर्फ 2 ही बना पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने जो तंदूर होता है तंदूर में मैंने इसे बनाया है, आप देख सकते हैं ये निशान है सब तंदूर के हैं, तो तंदूर में भी हम बना सकते हैं लेकिन सावधानी बरतनी पड़ती है हमें, ज़रा संभाल के निकालना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर इनको ज़रा सा हिलाएंगे तो टूट जाते हैं। और ये फ्रेंड्स आप ठंडा करके फ्रिज में स्टोरेज कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ये मेरी फ्रेंड्स की फरमाइश थी अगर उसमें मैं बनाया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं वो बताऊँगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।